क्या किया? वो भी मॉम के वॉल पर? मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया सागर जी। जानबूझकर नहीं किया तो फिर कैसे हो गया? अब मैं क्या बताऊँ आपको सागर जी? नहीं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया सब समझ गई। तुमने मॉम की वॉल पर एक मॉडर्न सा बढ़िया सा पेंटिंग किया है। वाओ सोनिया भाभी, ये आपको मॉडर्न पेंटिंग लग रही है? दीवार की ये हालत कैसे हुई? सागर भैया, अभी आपने दीवार कहा ना, तो उससे सोनिया को दीवार फिल्म का जो धीरू पारोई ने एक डायलॉग बोला था ना, वो याद आ गया। सुनाऊं क्या? सुनाने का काम तो मैडम करेगी, जब ये आके दीवार देखेगी और पता चलेगा कि मही भाभी ने थपकल दिया है। मॉम जब अपने वॉल की ये हालत देखेगी पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। कोई मुझे बताएगा ये किसने किया? बताओ। मॉम, ये सब एक्चुअली एक्सीडेंटली हो गया। वो ना अनजाने में मही से आपकी वॉल पे इंक गिर गई और उसको साफ करने के चक्कर में आपकी वॉल की पेंट भी साफ हो गई। सागर, ये एक्सीडेंटली नहीं हुआ है, इस चापली ने जानबूझकर मेरे दीवार पर इंक गिराई। सासू मां एक मिनट जरा, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, मैं बता देती हूं आपको। लेकिन मुझे तो लगता है सागर जी कि सासू मां ने ना जानबूझकर इंक पॉट का ढक्कन खुला छोड़ दिया होगा। देखा, एक तो मेरी दीवार खराब करती, ऊपर से मेरी गलती निकाल रही है। एक मिनट प्लीज, आप लोग झगड़िए मत। मैडम, मेरे पास ना एक बेहतरीन आइडिया है, जिससे थामन भी नहीं हटाना पड़ेगा और ये तामधाम भी नहीं करना पड़ेगा। वाओ कन्हैयालाल, बोलो क्या आइडिया है? सुनिए, ध्यान देते हैं जरा। हम ना एक बड़ा पोस्टर लेते आते हैं और जिधर डब्बा है ना उधर टिपका देते, डब्बा जीते नहीं। वाओ क्या बात है कन्हैयालाल, मस्त आइडिया है, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट। अरे नहीं, ये सब जुगाड़बाजी की जरूरत नहीं है, मैं उस पेंटर को बुला लेता हूँ। मैडम, मैंने वो डब्बा देख लिया है, आपके पास दो रास्ते हैं, लेफ्ट और राइट। सोनिया मजाक कर रही थी मेरी बहू। हाँ जी कॉन्ट्रैक्टर साहब, आपके पास कौन से दो रास्ते? हाँ देखिए, पहला रास्ता तो यह है कि आप पूरे रूम को पेंट करवा लीजिए। अच्छा, और दूसरा रास्ता यह है कि हम पोस्टल चिपका के ना डब्बा छुपा देते। लाल नहीं, वो नहीं। दूसरा रास्ता यह है कि सिर्फ वही दीवार पेंट कीजिए जो खराब हुई है। लेकिन ये कैसे चलेगा? नहीं, मेरा मतलब है तीन दीवारों का कलर एक जैसा लगेगा और दूसरा मतलब चौथा जो आप पेंट करोगे वो तो अलग लगेगा ना। देखिए मैडम, आजकल यही पैटर्न चल रहा है, हॉल हो या बेडरूम, लोग चार में से एक दीवार अलग कलर की करते हैं। लेकिन वो दिखने में अजीब लगता है ना, इसलिए नहीं चलेगा। नहीं, मही, अगर ये तेरा कोई गांव वाला कम पढ़ा लिखा या मिडिल क्लास इंसान देखेगा ना तो उसे अजीब लगेगा। हा? यहाँ की हाई सोसाइटी लोगों में ये सोफिस्टिकेटेड लगेगा, स्टाइलिश, यू नो। यू आर राइट मॉम, मेरे काफी सारे फ्रेंड के यहाँ पर ऐसी ही पेंटिंग है, तीन वॉल एक कलर की और एक वॉल समथिंग डिफरेंट, यू नो, मस्त लगता है। हाँ कॉन्ट्रैक्टर साहब, तो काम शुरू करें, आप अपने बंदों को बुला लीजिए। वैसे कॉन्ट्रैक्टर साहब, आपको ये एक वॉल पेंट करने में कितना टाइम लगेगा? 3-4 घंटे लगेंगे मैडम। देखिए आप एक काम कीजिए, आप ये शेड कार्ड देख लीजिए और कोई एक कलर पसंद कर लीजिए। वाह, ये डार्क ब्राउन कैसा लगेगा? नहीं हाँ सोनिया, नहीं मुझे डार्क ब्राउन नहीं चाहिए मेरी वॉल। ओके तो फिर हरा कलर लीजिए सासू मां, वो क्या कहते हैं भाभी, वो पैरेट ग्रीन वाला मस्त लगेगा। ये मेरा रूम, तेरे गाँव का खेत नहीं है कि मैं हरा कलर करूँ। अपना सजेशन अपने पास रखो। माधुरी का ठीक से कल ना, मैं वापस आता हूँ, जब हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। Wow, my new wall looks beautiful.
ये स्मेल के साथ मैं इस रूम में नहीं रह सकती। फ्रेश फ्रेश हो गया। सागर जी, और ये कूली की तरह सर पर बॉक्स रख कर क्यों लेकर आए? क्या है इसमें? मॉम का सामान। सामान? कैसा सामान? मेरे कुछ फाइल्स, स्टेशनरीज और मोबाइल चार्जर और अलार्म क्लॉक। अच्छा, लेकिन ये सब मेरे रूम में क्यों? क्योंकि अब से एक दो दिन के लिए मैं तुम्हारे कमरे में रहूंगी। लेकिन आपका रूम तो तैयार हो गया है ना सासू माँ? वही, तुम्हें तो पता है ना, मॉम को स्ट्रॉन्ग स्मेल से एलर्जी है। कमरे में पेंटिंग तो हो गई है, लेकिन कमरे में अभी भी पेंट की स्मेल है। इसलिए मैं अब से एक दो दिन के लिए यहीं पर। लेकिन आप... लेकिन कुछ नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से हुई है, अब एडजस्ट भी तुम्हें करना पड़ेगा। और वैसे भी मॉम को मैंने हमारे कमरे में इनवाइट किया। अच्छा सागर जी, सासू माँ सोनिया भाभी के रूम में भी तो जा सकती है ना? नहीं मम्मी जी? नहीं, क्योंकि सोनिया के कमरे में वेस्ट फेसिंग विंडो है और मुझे ईस्ट फेसिंग विंडो चाहिए, ताकि जब मैं सुबह योगा करूँ तब सूरज की पहली किरणें सीधे मेरे कमरे में आए। हाँ, नो प्रॉब्लम मॉम, आप आराम से इस कमरे में। थैंक यू बेटा। सागर, मही कह रही थी कि मेरा कमरा रेडी है, तो तुम दोनों क्यों नहीं वहाँ पे शिफ्ट हो जाते? वैसे भी ये मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। नहीं नहीं, ऐसे कैसे मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी सासू माँ, मैं मस्त एडजस्ट कर लूंगी। हाँ हाँ मॉम, बहुत बढ़िया आइडिया है, हम दोनों आपके कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं। सागर जी, मैं तो सासू माँ के साथ इसी रूम में आराम से एडजस्ट कर लूंगी, लेकिन शायद सासू माँ मेरे साथ रहने से घबरा रही है। नहीं सासू माँ? मैं भला क्यों घबराने लगी? तो फिर ठीक है सागर जी, आप सासू माँ के रूम में शिफ्ट हो जाइए, मैं तो यही रहूंगी अपने रूम में। ठीक है, लेकिन मही एक बात याद रखना, जब तक मेरे कमरे में से पेंट की स्मेल चली नहीं जाती तब तक मैं इसी कमरे में रहूं, और तब तक ये कमरा मेरा है, तुम्हारा नहीं, समझी? ये दोनों एक ही कमरे में रहेंगे तो पता है क्या होगा? वही होगा जो शेर और बकरी को एक ही पिंजरे में रखने से होता है, हमला।